नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं ये एक यमी सी रेसिपी जिसको देखते ही आपका मन भी कर रहा होगा खाने का और बनाने का भी। तो इसको केवल हमने 15 से 20 मिनट में बना के तैयार किया है और ना ही हमने इसमें आटे का इस्तेमाल किया है ना ही इसमें मैदे का इस्तेमाल किया है। किचन में जो बेसिक सामान होते हैं उसी से हमने इसको बनाया है और इसको बनाने में केवल 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। और चाहे इसको आप मालपुआ भी बोल सकते हैं, चाहे इसको हम रसीली भी मिठाई बोल सकते हैं। तो देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम चाशनी बनाने रखेंगे, तो जिसके लिए मैंने एक कटोरी चीनी ले ली है और इसी कटोरी का एक कटोरी हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसकी चाशनी तैयार करते हैं। हमारी चाशनी तैयार हो रही है। ये मैंने एक कटोरी सूजी ले ली है, इसमें डालूंगी थोड़ी सी 3 से 4 मिनी इलायची है, इसका पाउडर इसमें, ये आधा चम्मच से भी कम ये सौंफ है मेरी कुटी कुटाई, और इसमें डालेंगे 2 चम्मच ये मेरी घर की फ्रेश मलाई है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो इसमें 2 चम्मच। अब मैं क्या करूँगी, इसका ये कटोरी मैंने ये सूजी ली थी उसी से कटोरी दूध लिया है जिसका मैं घोल तैयार कर लेते हैं। सूजी को मैंने अच्छे से दूध डाल के थोड़ा थोड़ा इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए सूजी को ढक के रखते हैं जिससे कि हमारी सेट हो जाए और उसमें से हमारा थोड़ा सा ये दूध भी बच गया है। चीनी अच्छे से हमारी इसमें घुल चुकी है, इसमें डालूंगी 2 इलायची जिसको मैंने कूट लिया है, और ये 8 से 10 केसर के धागे, और थोड़ा सा इससे क्या है अच्छे से हमारा कलर आ जाता है। और इसमें डालूंगी ये 4 से 5 नींबू का रस जिससे कि हमारी चाशनी जमे नहीं। और ये हमारी चाशनी हमें ये 5 मिनट ही बस इसको पकाना है क्योंकि इसमें हमें इसका कोई तार नहीं बनाना। हमारे 5 मिनट पके हो गए यानी चाशनी हमारी बनकर तैयार है, हमें गैस को ऑफ कर देते हैं। आइए हम चेक कर लेते हैं, 15 मिनट हमारे हो चुके हैं और ये सूजी अच्छे से हमारी फूल कर तैयार है और ये थोड़ा सा थिक हो गई है। इसमें से जो थोड़ा सा दूध बचा था इसमें इसको डाल के और थोड़ा सा इसको हम हल्का सा इसको बस पतला करना है और इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। ये मेरे पास था, अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं आप स्किप भी कर सकते हो। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा बैटर तैयार है और ये थोड़ा सा हमने थिक रखा है क्योंकि इसके जो भी हम पकौड़े सेकेंगे जो कि मालपुआ तो थोड़े से मोटे बनेंगे। अगर आपको पतले चाहिए तो इसको थोड़ा सा दूध डाल के और पतला कर सकते हो। कढ़ाई में घी गरम कर लिया है, आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल में भी इनको फ्राई कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा घी से अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा मैं डाल लेती हूँ कि हमारा घी गरम हुआ है कि नहीं। ये हमारा घी गरम हो चुका है और गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो कर ही इनको सेकना है। ये हमारा घी गरम हो चुका है, आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल में इनको फ्राई कर सकते हो। और आपकी जितनी कढ़ाई में जितनी जगह हो 3-4 जितने आ सके एक बार में आप डाल सकते हो। इसमें मैं ये 4 ही डालूंगी, 4 से ज़्यादा नहीं। ये एक साइड से हमारे सिक चुके हैं, ये इनको हम पलट लेते हैं। देख सकते हो क्या गोल्डन सिक कर हमारे तैयार हुए हैं। दूसरी साइड से भी इसी तरह सेक लेते हैं और फिर इनको हम चाशनी में डालेंगे। अगर चाशनी आपकी ठंडी हो तो थोड़ा सा गरम चाशनी हमारी गरम होनी चाहिए। देखिए दोनों साइड से हमारे ये सिक चुके हैं और इनको हम निकाल लेते हैं अच्छे से। ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और थोड़ा सा दबा के जो एक्स्ट्रा घी है उसको हम निकाल देते हैं। इसको ऐसे ही 3 से 4 मिनट तक हम चाशनी में छोड़ देंगे जब तक हम दूसरा बैच सेक कर अपना तैयार करते हैं। बैच मेरा लास्ट रह गया है और ये थोड़ा सा लास्ट का थिक हो गया था, थोड़ा सा मैंने इसमें 2 चम्मच दूध ऐड करके और इसके थोड़े से मैंने ये पतले बनाए हैं और बाकी के ये थोड़े से मोटे हमने बनाए हैं। तो इसको हम लट पलट के सेक लेते हैं और आइए फिर इसकी प्लेटिंग करते हैं। देखिए मैं कट करके दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट
और ये कितनी रसीली मिठाई बनकर हमारी तैयार हुई है। ये रसीली मिठाई की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।